एक करोड़ के प्रशासकीय स्वीकृति से बनी हाई स्कूल बिल्डिंग की 3 माह में ही 2 दिन की हुई तेज बारिश में छत टपकने लग गई। मध्य प्रदेश के खिलेड़ी गांव के राम देवरा मंदिर के सामने मैदान में बन रहे हाई स्कूल भवन का लोकार्पण करना अभी बाकी है। कार्य की गुणवत्ता में स्वयं ठेकेदार को संदेह होने पर उसी छत पर फिर दूसरी छत डाली गई। छत पर शनिवार रात्रि में नेट वाली जाली बिछाकर चूरी रेत सीमेंट मिश्रित मटेरियल पुनः छत भरी गई, जबकि विभाग इसे ग्रेडिंग करना बताया जा रहा है। रात्रि में पुनः छत भरना गांव में चर्चा का विषय बन गया है और विद्यालय के भवन निर्माण में भारी अनियमितता होने का अंदेशा व्यक्त करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने कलेक्टर से जांच की मांग की है। लगभग 15 वर्षों से खिलेड़ी के विद्यार्थी हाई स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे थे। निरीक्षण करने वाले इंजीनियर भारत मंडलोई ने इसे ग्रेडिंग की विभागीय प्रक्रिया बताया है और 3 साल की ठेकेदार द्वारा देखरेख अवधि बताई है, तो इधर ठेकेदार ने बताया कि इस भवन की देखरेख अवधि 5 वर्ष बता रहा है। आपको बता दें कि यह स्कूल पहले भी भूमि पूजन होने से पहले सुर्खियों में आया है। भवर सिंह शेखावत ने अपने द्वारा 87 लाख की राशि से स्वीकृत करवाने को कहकर प्रायोजित कार्यक्रम के पूर्व ही भूमि पूजन कर दिया था, जबकि प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार उस समय पूर्व विधायक राजवर्धन दत्ती गांव ने 26 जनवरी 2018 को 1 करोड़ की राशि से स्वीकृत भवन के लिए इस भवन का निर्माण को दोबारा भूमि पूजन किया गया था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राजनीतिक वजूद दिखाने के लिए शिलान्यास में प्रतिस्पर्धा जरूर दिखाई, लेकिन बाद में निर्माण प्रारंभ के बाद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह रहा कि कार्य गुणवत्ताहीन हुआ, जिससे विद्यालय की छत 2 दिन की बारिश में ही टपकने लग गई। गांव के सत्यनारायण पांटीदार ने बताया कि कार्य अकुशल कारीगरों द्वारा किया गया है, जिससे पहले ही बारिश में छत टपकने लग गई है। 2 दिन की बारिश में 1 करोड़ की बिल्डिंग से पानी का टपकना यह दर्शाता है कि इंजीनियर का तकनीकी दिमाग कमजोर है या ठेकेदार की मिलीभगत से बंदरबांट हुई है। नवनिर्मित भवन की गुणवत्ता की जांच किए जाने तक व दोषी पाए जाने पर कार्यवाही के साथ ठेकेदार को ब्लेड लिस्टेड किया जाए। वहीं ठेकेदार ने भवन में शौचालयों में जो टाइल्स लगाई वो घटिया है, अभी से टूटने फूटने लगी है। गुणवत्ताहीन कार्य की हम कलेक्टर व विधायक से जांच की मांग करते हैं। पूरा मामला इसमें बिल्कुल घटिया काम किया है। वो जो डबल ग्रेडिंग वाली छत डाली इन्होंने, वो चूरी और रेत मिले, चूरी मिले उसमें अंदर, और जो जाली बिछा कर ये डाली उसमें, उनके प्रावधान में 2 इंची का 3 इंची ऊपर माल चढ़वा दिया उसमें। स्कूल में 2 बार, 1-3 महीने पहले भी बार होती थी, 5 इंची से 4 इंची वो पहले डाल दी, इसके बाद अभी फिर 3 इंची करी उसने बारीक रेत और चूरी मिला दी। छत भरी है, टपकने लग गया था, 2 दिन की बारिश में टपक गया वो। सभी में मिस्टेक कहीं कहीं, लेटरिंग बाथरूम के वो भी टाइल्स से टूट गई उसकी, ऊपर की छत में भी धब्बे धब्बे गिर गए। वो डाला था ये 1 करोड़ की। आपने अभी तक कहाँ पे शिकायत की है? अभी नहीं की, कल करेंगे। आपका नाम? मेहरबान सिंह मौरी की लेडी। पहले भर दी थी 5 इंची, और इसके बाद में फिर इन लोगों ने क्या करा कि वो टपकने लग गई, तो नीचे डब्बे भी बन गए थे, उसको भी इन्होंने कराए कलर कर दिया वापस डबल, और फिर से पुनः वापस भर रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है कि 3-2 महीने बाद में वापस सेकंड बार भरी जाए, कम लगी थी। लेटरिन बाथरूम में भी इन्होंने हल्की वाली वो टाइल्स लगा रखी है, अपन ठोकते हैं खाली माली थोड़ा बहुत तो भी टूट रही हो, तो भुगतान नहीं होना चाहिए कायदे से। मानते गलत नहीं मानते हम, गांव वाले भी नहीं मानते हैं, हम भी नहीं मानते हैं। काम अच्छा नहीं हुआ, घटिया काम हुआ है, अच्छा काम हुआ नहीं है इनका। आपने अभी तक किसी से शिकायत की है? कल करेंगे कलेक्टर से, वहाँ जाके जनसुनवाई में देंगे कल आवेदन। आपका नाम? सत्यनारायण पाटीदार, नेताजी खिडेड़ी।